हेलो गाइस हेलो डियर स्टूडेंट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एट्थ सोशल साइंस चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नेम इज़ एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल रूल के समय में हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और सोशल सिस्टम कैसा था इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा और अब हम इसकी एक्सरसाइज अपलोड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट बनी रहेगा आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर हमने अपलोड किए हैं और भी सारे चैप्टर्स उनकी एक्सरसाइज लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन राइट द क्वेश्चन राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन विच लॉ वॉज सजेस्टेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कौन सा लॉ सजेस्ट किया था द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सजेस्टेड टू पास अ लॉ मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी बाई गोपाल कृष्ण गोखले इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने एक लॉ सजेस्ट किया था वो था प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कि सभी बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी तरीके से मिले ये नियम लागू किया गया था उन्नीस सौ बारह में सेकेंड क्वेश्चन है इन द स्टेब्लिशमेंट ऑफ विच स्कूल डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल आंसर होगा हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल वॉज इस्टैब्लिश्ड बाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी ऑफ ऑफ हाउ मैनीयर्स आंसर है इट इज रिकमेंडेड दैट प्राइमरी एजुकेशन लास्ट सेवन ईयर्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी उसकी जो लास्ट एज थी वो थी सेवन ईयर्स प्राइमरी एजुकेशन के लिए फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज़ फाउंडेड बाई गरम मेहता आंसर द मानव धर्म सभा वॉज फाउंडेड बाई दुर्गा राम मेहता इन सूरत इन 1844 जो दुर्गा राम मेहता थे उन्होंने मानव धर्म सभा फाउंडेड किया था बनाया था फिर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेप वर टेकन बाई सर सयाजी राव गायकवाड़ एंड ही इज वाइफ टू स्प्रेड एजुकेशन आंसर देखिए वडोदरा वडोदराज महाराज सयाजी राव गायकवाड़ एंडश्योर्ड फ्री कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन्होंने सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल सॉरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी की थी एडिशनली ही provide scholarship to two student to study abroad and his wife chinna bai gaikwad enacted a law providing scholarship to student to study abroad ये इन लो, इन लोगों ने क्या किया था दो बच्चे जिनको बाहर जाकर के पढ़ाई करने का मौका मिले ये भी इस्टार्ट किया था उसके लिए स्कॉलरशिप इन्होंने स्टार्ट करवाई थी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज literacy लिटरेसी क्या है गांधी जी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी लिटरेसी इज नॉट नॉलेज ऑफ़ अल्फ़ाबैट और सेल्फ लर्निंग रैदर लिटरेसी जो है साक्षरता सिर्फ इसे नहीं कहते कि हमें अल्फ़ाबैट्स का नॉलेज हो जाए बल्कि इट इज़ अ टूल मेन एंड वुमेन कैन यूज टू बी एजुकेटेड और ये एक हथियार है जिसे कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अपने लिए काम में ले सकते हैं विच एजुकेशनल रिकमेंडेशन वेड इन द वुड डिस्पैच अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच फॉलोविंग रिकमेंडेशन वरमेंट कौन कौन से रिकमेंडेशन मेड किए गए थे बनाए गए थे देखिए रिकमांड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोवेंस और सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल्स रिकमांडेड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट ग्रांट टू प्राइवेट स्कूल स्टार्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एक्सपेंड द स्कोप ऑफ बिजनेस और वोकेशनल एजुकेशनल एजुकेशन इस्टेब्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल इन एवरी तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोमोट वुमेंस एजुकेशन एंड प्रोवाइडेड इस्कॉलरशिप उन्होंने वुमेंस एजुकेशन स्टार्ट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई और टीचर की ट्रेनिंग से स्टार्ट करवाई इसके अलावा भी जैसे काफ़ी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करवाए और सरकारी ग्रांट भी जो कि प्राइवेट स्कूल्स को मिल सके उस तरीके के इन्होंने रिकमेंडेड किए थे लॉज फिर होगा फोर्थ विच एफर्ट वर मेड बाई वेरियस रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र फॉर गर्ल्स एजुकेशन विच अफोर्ट वर मेड कौन कौन से अफोर्ट्स किए गए थे बाई वेरियस रिफॉर्मर अलग अलग सुधारकों के द्वारा इन महाराष्ट्र फॉर गर्ल्स एजुकेशन महाराष्ट्र में गर्ल्स एजुकेशन के लिए इन महाराष्ट्र महादेव गोविंद रानाडे एंड हिज वाइफ रामा भाई रानाडे स्कूल फॉर गर्ल्स एंड विडोज ज्योतिबा फूले एंड हिज़ वाइफ सावित्री बाई फूले ऑल्सो सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड विडोज एजुकेशन महर्षि कार्वे स्टेब्लिस्ड अ सेपरेट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन एडी टूडे दिस यूनिवर्सिटी इज वर्किंग एज एस एंड डी टी यूनिवर्सिटी जिसका काफ़ी नाम फेमस है फिर देखिए राइट अ शॉर्ट नोट एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज के एक्टिविटीज के बारे में बताना है तो देखिए ब्रह्म समाज के एक्टिविटीज के बारे में हम सभी जानते हैं हमने बुक में भी पढ़ा है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ द ब्रह्म समाज इस्टैब्लिस्ड बाई राजा राम मोहन किसने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन ने बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ ब्रह्म समाज विलियम बेंटिंग इनैक्टेड अ लॉ अगेंस्ट सती सिस्टम एंड प्रोहिबिटेड सती प्रथा को बंद कराया लॉ वर पासड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ हुमन सेक्रीफाइज नरबली एंड फीमेल इन्फेक्टिसाइड दूध पीती इन सबको बंद कराया जो बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार देते वो सब इन्होंने बंद करवाए भी बंद जहां पे पहले की बली दी जाती थी एडवोकेट पीडो री मैरिज मैग्निस सोम प्रकाश विद एफर्ट ऑफ ब्रह्म समाज लीडर नेम्ड केशवर चंद्र सेन द चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट वॉज पासड इन एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू जो बाल विवाह है उन्हें भी अवमान्या घोषित किया गया 1872 में फिर देखिए विडो मैरिज विडो मैरिज के लिए क्या क्या किया गया था इन मिडवेल इंडिया वीडो वर नॉट अलाउड टू री मैरिज जो मिडवेल इंडिया मध्य भारत है उस समय में जो वीडोज होती थी उनको दोबारा शादी करना अलाउ नहीं था वीडो रिमैरिज वॉज़ प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट इंडिया बट देन इट स्टॉप्ड जो एंसियट इंडिया था तब तो रीमैरिजेस कंटिन्यू होती थी लेकिन अब इस मध्य भारत में ये बंद हो गई थी सोशल रिफॉर्मर्स मेड ग्रेट एफर्ट फॉर द रीमैरिज ऑफ वीडो अमंग देम राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर द प्रोमिनेंट फिगर सोशल रिफॉर्मर प्रिंटेड बुक्स पैम्पलेट इन फेवर ऑफ विडो मेरेजेस टू ब्रिंग अवेयरनेस इन महाराष्ट्र महादेव गोविंद राानाडे रामा भाई राानाडे ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले महर्षि कार्वे गोपाल कृष्ण गोखले एक्सेट्रा ऑल्सो लॉन्च्ड अज कंपेज कंपेन फॉर विडो रीमेरिज एंड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ गुजरात लाइक नर्मद करसनदास मुलजी महिम महिपत्रम रूपरम दलपत्रम एक्सेट्रा आर ऑल्सो स्टार्टेड एग एजिटेशन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोविशन ऑफ विडो रीमैरिज विडो री मैरिज को विधवा विवाह करवाने शुरू किए और जो चाइल्ड मैरिज थी उन्हें रोका गया मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल जे बी ग्रांट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल नॉन एज द वीडो रीमैरिज एक्ट इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ए डी फिर है रविंद्रनाथ टैगोर थाट ऑन एजुकेशन रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशन को लेकर के थॉट्स थे उनके बारे में बताया इसमें पूछा गया है

शायद चाइल्ड शुड बी जो बच्चे होते हैं वो फ्री होने चाहिए जिस और ज़्यादा उनके ऊपर डिसिप्लिन वगैरह नहीं लागू करने चाहिए द एजुकेशन सिस्टम शुड डेवलप द चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड क्योरिसिटी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की इमेजिनेशन और क्योरिसी को डेवलप कर सके he advocated that children should be encouraged to learn different arts such as music acting and painting children learn moral values and spirituality the teacher should have the ability to develop the ch children psychologically For teaching of swami vivekanand he strongly opposed the social evils and religious practice ही preached सोशल सर्विस एंड सोशल रिफॉर्म ही क्लियरली बिलीव्ड दैट ही does नॉट बिलीव इन अ रिलीजन और गॉड दैट कैन नॉट वाइप अ वीडो वीडोज चीयर और पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन द माउथ ऑफ हेल्पलेस चाइल्ड वो ऐसा कहा करते थे कि भगवान किसी भी वीडो के आंसू पहुँचने के लिए नहीं आते हैं और कोई जो हेल्पलेस चाइल्ड होता है उसके मुँह में रोटी देने के लिए भगवान नहीं आते सबको अपना अपना लिए खुद लड़ना पड़ता है ही यूज टू से फर्स्ट फूड द देन रिलीजन वो हमेशा ये कहा करते थे कि सबसे पहले खाना या फिर धर्म है ही सो गॉड इन एवरी ह्यूमन बींग अकॉर्डिंग टू हीम सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड उनका ये कहना था कि मानव सेवा ही भगवान की सेवा है ही एड्रेसेज द यूथ अराइज अवे कैंड स्टॉप द नॉट अंटिल द गोल इज ही रिचड वो हमेशा ये कहा करते थे जागो उठो जागो और रुको मत जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन एंड राइट द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ़ दैट इट इज़ फॉलोअर्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग विल यू नॉट इंक्लूड आंसर होगा दुर्गा राम मेहता विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेज वुड बी इंक्लूडेड इन इंडियन एजुकेशन बिफोर द अराइवल द ब्रिटिश आंसर होगा औरल एजुकेशन

फिर है दयानंद सरस्वती सर, दयानंद सरस्वती को मैच करना है इस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंग्लो वैदिक कॉलेज एट लाहौर फिर है डी के कारवे डी के कारवे को हमें मैच करना है इस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट फॉर मैरिज जोनाथन धुनकन उसको मैच करना स्टैब्लिशमेंट ऑफ बनारस संस्कृत कॉलेज डियर स्टूडेंट इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो आप इसी वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू